Hello students, this is the class B power amplifier. Class B, after the video lecture given for the class A power amplifier, this is the class B power amplifier. हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में ये बात कर चुके थे, ओके, जिसमें हम लोग क्लास ए पावर एम्पलीफायर में बात की, ओके, ऑपरेटिंग साइकिल जो होता है उसका 360 डिग्री होना चाहिए और उसका जो एफिशिएंसी होता है वो 25-50% होता है. नाउ दिस इज द क्लास बी पावर एम्पलीफायर जो मैंने टेबल में देखा लिखाया हूँ. क्लास बी पावर एम्पलीफायर का ओके ऑपरेटिंग साइकिल जो होता है वो 180 डिग्री होता है और इसका एफिशिएंसी जो होता है 78.5% होता है. ओके नाउ अब ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट और क्यू पॉइंट हम लोग बात कर रहे थे. तो व्हेन द क्यू पॉइंट और ऑपरेटिंग पॉइंट लाइज एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लोड लाइन, दिस इज द लोड लाइन, लोड लाइन के एक्सट्रीम एंड पे, दिस इज द लोड लाइन, लोड लाइन के एक्सट्रीम एंड यानी कि कट ऑफ रीजन या सेचुरेशन रीजन में लाई करे, देन सच एम्पलीफायर इज कॉल्ड क्लास बी पावर एम्पलीफायर. देन एन एम्पलीफायर इन विच ऑपरेटिंग पॉइंट इज लोकेटेड एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ लोड लाइन दैट इज एदर इन कट ऑफ रीजन और इन सेचुरेशन रीजन. ओके इफ द क्यू पॉइंट इज इन कट ऑफ रीजन, ओके अगर क्यू पॉइंट जो है कट ऑफ रीजन में, दिस इज द कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन, देन द कलेक्टर करंट वैरीज ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल बट रिमेन्स जीरो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल एज शोन इन फिगर बी. अब देख सकते हैं, अब यहां पे ये क्यू पॉइंट है तो क्यू पॉइंट हमने यहां ले आए, यहां पे आई सी क्यू क्या होगा, जीरो होगा और ये सिर्फ वी सी क्यू होगा. ना इसके कोरिस्पोंडिंग जो है ये नेगेटिव हाफ साइकिल को ये क्या करेगा, ओके ये आउटपुट नहीं देगा. तो जो भी सिर्फ आउटपुट जो आ रहा है वो पॉजिटिव आउटपुट आ रहा है विद द रेफरेंस लाइन आई सी क्यू इक्वल टू जीरो एंड मैक्सिमम आई सी मैक्स दैट इज द कलेक्टर करंट मैक्सिमम. ओके नाउ इफ द क्यू पॉइंट इज इन सेचुरेशन रीजन, अगर सेचुरेशन रीजन में लाई कर रहा है तो अगर सेचुरेशन रीजन में लाई करेगा देन वी सी ई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, जीरो होगा और आई सी क्यू का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा. ओके आई सी क्यू मैक्सिमम. ओके नाउ दिस वन एक्चुअली आई सी क्यू, आई सी क्यू मैक्सिमम. ओके नाउ इफ द क्यू पॉइंट इज इन सेचुरेशन रीजन देन द कलेक्टर करंट वैरीज ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल बट रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल. आप देख सकते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में वैरी कर रहा है और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, नॉट जीरो. इन दिस केस इट इज द जीरो बट इन दिस केस दे गिव द कॉन्स्टेंट वैल्यू, दिस इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू हुज कॉन्स्टेंट वैल्यू इज गिवन बाई वी सी सी बाई आर सी. ओके दिस इज वेरी बेसिक दैट इज स्टडी इन द बीजेटी एम्पलीफायर. ओके नाउ अब अगर हम लोग साइनोसॉइडल इनपुट दिए तो क्लास बी के कोरिस्पोंडिंग जो आ रहा है वो हाफ साइनोसॉइडल आ रहा है. अब देख सकते हैं यहां भी और यहां भी, दिस इज इन कट ऑफ रीजन, दिस इज इन सैचुरेशन रीजन. ओके अगर नोट पे लिखे हुए हैं, अगर होल साइनोसॉइडल आउटपुट ऑप्टेन करना है तो ऐसा ऐसा हम लोग को जो है दो एम्पलीफायर यूटिलाइज करना होगा. ओके दो एम्पलीफायर यूटिलाइज करना होगा तब कहीं जाके जो है फुल साइनोसॉइडल मिलेगा. देन दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द क्लास बी पावर एम्पलीफायर. ओके इट गिव्स हाफ साइनोसॉइडल आउटपुट और डिस्टॉर्टेड आउटपुट एंड टू ऑप्टेन द होल साइनोसॉइडल और फुल्ली साइनोसॉइडल, ओके टू क्लास बी टाइप एम्पलीफायर इज यूज्ड. ओके एंड दोज एम्पलीफायर एंड सच एम्पलीफायर इज कॉल्ड पुश पुल एम्पलीफायर, जिसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे. ओके नाउ एडवांटेज क्या है, सिंस कोसेंट पावर डिसिपेशन इज जीरो, ऑफ कोर्स कोसेंट पावर क्या था हमारा वी सी ई क्यू इंटू आई सी क्यू, देन इन दिस केस आपका आई सी क्यू जीरो है तो कट ऑफ रीजन में जीरो,
इन दिस केस VCEQ 0 है, देन कट ऑफ रीजन में सैचुरेशन रीजन में 0, देन इन दिस केस एडवांटेज ये है कि क्वेश्चेंट पावर डिसिपेशन 0 हो रहा है, दैट इज इट डिसिपेट 0 पावर व्हेन द इनपुट इज करेस्पोंडिंग टू द क्यू पॉइंट। ओके, नाउ डिसएडवांटेज क्या है, जो मैंने बात कर चुका हूं, इट गिव द हाफ साइनसॉइडल आउटपुट और डिस्टॉर्टेड आउटपुट। एप्लीकेशन हम लोग वाइडली यूज करते हैं इसको अनट्यून्ड पावर एम्पलीफायर में। नाउ अनट्यून्ड पावर एम्पलीफायर है क्या? ओके, हम लोग अनट्यून्ड पावर एम्पलीफायर को देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, अगर ये एम्पलीफायर है हमारा, ओके, तो इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। ओके, अनट्यून्ड एक हमारा हो गया अनट्यून्ड और दूसरा हो गया ट्यून्ड। अनट्यून्ड में जो होता है वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर होता है और दूसरा रेडियो होता है इफ रेसिस्टिव लोड इज यूज्ड, यानी कि अगर हम लोग रेसिस्टिव लोड को यूटिलाइज करेंगे तब अनट्यून्ड होगा। लेकिन अगर हम लोग एलसी को यूटिलाइज करते हैं, एलसी सर्किट को, देन दैट इज द ट्यून्ड एम्पलीफायर एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ओके, नाउ हम लोग जो देखेंगे, ओके, क्लास ए बी नाउ इट इज द क्लास बी पावर एम्पलीफायर। क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर व्हाट ए एंड बी, इसका नाम ही बता रहा है। ओके, एन एम्पलीफायर इन विच ऑपरेटिंग पॉइंट इज लोकेटेड एट ए पॉइंट इन बिटवीन द ऑपरेटिंग पॉइंट्स ऑफ क्लास ए एंड क्लास बी एम्पलीफायर। ओके, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास ए और क्लास बी का जो ऑपरेटिंग पॉइंट है उसके बीच में हमेशा लाइक करें, वो पॉइंट कोई भी हो सकता है, एनी पॉइंट इन बिटवीन द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ क्लास ए एंड क्लास बी। नाउ क्लास ए ऑलवेज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ लोड लाइन, क्लास बी एदर इन कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन। तो इन दोनों के बीच में ये कोई पॉइंट हो सकता है, नहीं ये पॉइंट, नहीं सेंटर पॉइंट, नहीं ये एक्सट्रीम पॉइंट, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। ओके, कोई भी पॉइंट, दैट इज अ क्लास ए बी ऑपरेशन। ओके, नाउ एज द नेम क्लास ए बी, ओके, पावर एम्पलीफायर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास ए एंड बी टाइप एम्पलीफायर। ऑफकोर्स जैसा नाम ये बता रहा है। ओके, नाउ जस्ट सी, यहां पे हम लोग जो ऑपरेटिंग पॉइंट लिए हैं वो सेंटर और कट ऑफ के बीच में लिए, क्यू ए बी, यहां पे जो लिए हैं सेंटर और सैचुरेशन पॉइंट के बीच में लिए। कट ऑफ पॉइंट पे आपका क्लास बी का ऑपरेटिंग पॉइंट हो सकता है, सैचुरेशन पे आप क्लास बी का ऑपरेटिंग पॉइंट हो सकता है, देन इन दोनों के बीच में जो इसका कोऑर्डिनेट होगा That is the Q point VCEQ ICQ। Okay, now इसके corresponding this is the reference line, okay, and actually it should be symmetrical about this line like that, okay, but due to this axis ये क्या है इसको distort कर लिया। Okay, तो ये हमारा output fully sinusoidal नहीं हो पाया, it has the maximum value बट मिनिमम वैल्यू इज 0 फॉर द सर्टेन टाइम। ओके, तो ये कब है, जब क्लास ए बी का पावर एम्पलीफायर का ऑपरेटिंग पॉइंट जो है क्लास ए और क्लास बी में कट ऑफ रीजन के बीच में। नाउ जब क्लास ए बी का ऑपरेटिंग पॉइंट जो है क्लास ए और सैचुरेशन रीजन दैट इज द क्लास बी एम्पलीफायर के बीच में एनी पॉइंट है, तो दिस इज द रेफरेंस, इस रेफरेंस के अबाउट जो है ये सिमेट्रिकल होना चाहिए था। ओके, बट दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट, ओके, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, सो दिस इज क्लिप्ड, यहां भी क्लिप्ड हो गया, ओके, और ये भी क्लिप्ड हो गया, इसको अपन स्टडी करेंगे क्लिपर में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन दे आर क्लिप्ड, क्लिप्ड मतलब जिसे हम लोग हेयर ये उठा हुआ है इसको हम लोग क्लिप कर लिए, क्लिप कर बैठा लिए, तो ये भी जो उठा हुआ है तो ये क्लिप्ड हो गया, दैट इज द क्लिपर। ओके, तो आप यहां देख रहे हैं ये भी क्लिप्ड हो गया,
तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस क्लास ए हैज प्रॉब्लम्स ऑफ लो एफिशिएंसी, याद होगा क्लास ए का एफिशिएंसी 25-50% है, ओके, एंड क्लास बी हैज प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्टॉर्शन, तो क्लास बी का जो आउटपुट वेवफॉर्म मिलता है वो हाफ साइनसॉइडल मिलता है, ओके, सो क्लास ए बी इज एम्प्लॉयड टू एलिमिनेट दीज टू प्रॉब्लम्स, इन दोनों प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के लिए क्लास ए बी को बनाया गया, ओके, कौन दोनों प्रॉब्लम, क्लास ए का जो है ओके लो एफिशिएंसी और क्लास बी का जो है प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्टॉर्शन, ओके, नाउ दिस एलिमिनेट दीज टू प्रॉब्लम्स बाय यूटिलाइजिंग द एडवांटेजेस ऑफ बोथ क्लास ए एंड क्लास बी, इन दोनों प्रॉब्लम को एलिमिनेट भी करना है, साथ साथ क्लास ए और क्लास बी का जो एडवांटेज था उसको हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज भी कर लिए, यही कारण है कि हम लोग क्लास ए बी को हम लोग कॉम्बिनेशन बोलते हैं क्लास ए और क्लास बी का, यानी कि क्लास ए के प्रॉब्लम को और क्लास बी के प्रॉब्लम को एलिमिनेट किए और दोनों के एम्पलीफायर के एडवांटेज को इसमें कंसिडर कर लिए। नाउ इन क्लास ए बी एम्पलीफायर द आउटपुट ऑब्टेंड इज मोर देन हाफ साइनसॉइडल बट नॉट फुल्ली साइनसॉइडल, ऑफकोर्स क्लास ए में फुल्ली साइनसॉइडल मिल रहा है, क्लास बी में हाफ साइनसॉइडल मिल रहा है, इसमें जो मिलेगा इन बिटवीन दिस मिलेगा, देखो ये फुल्ली साइनसॉइडल भी नहीं है हाफ भी नहीं है, हाफ होता तो ये यहां से गायब हो जाता, ओके, यहां से ये गायब हो जाता, बट ये हाफ भी नहीं है, तो यहाँ पे आउटपुट जो ऑप्टेंड हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, ओके, एज कंपेयर टू द क्लास बी, ओके, बट लेस देन क्लास ए, ओके, दैट इज आइदर ए पोर्शन ऑफ पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ साइकिल इज क्लिप्ड इन द आउटपुट वेव फॉर्म, गॉट इट, नाउ पावर डिसिपेशन इज मोर देन क्लास बी, ऑफकोर्स क्लास बी में जो है पावर डिसिपेशन लो था, ओके, जीरो, ओके, और क्लास ए में ज्यादा था, तो क्लास ए से अब कम है और क्लास बी से ज्यादा होगा, डिस्टॉर्शन क्लास ए में नहीं था, नेग्लिजिबल था, और क्लास बी में ज्यादा था, तो अगेन डिस्टॉर्शन दोनों के बीच में होगा, दोनों के बीच में होने का मतलब क्या है, क्लास ए से ज्यादा और क्लास बी से कम, आउटपुट सिग्नल इज ऑब्टेंड बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, ऑफकोर्स दिख रहा है आपको, ओके, दिस वन पूरा 360 डिग्री हम लोग जा भी नहीं रहे, तो ये आउटपुट है, ऑफकोर्स क्लास ए हम लोग 360 डिग्री के लिए ऑप्टिंग किए, क्लास बी 180 डिग्री के लिए, और क्लास ए भी 180 से 360 डिग्री के बीच में। नाउ एप्लीकेशन एज एन अनट्यून्ड एम्पलीफायर जिसमें हम रेसिस्टिव लोड यूटिलाइज करेंगे, दैट इज द ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर और रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर विद द रेसिस्टिव लोड, अनट्यून्ड एम्पलीफायर मैंने बताया अभी, ओके, जिसमें हम लोग जो एलसी सर्किट यूटिलाइज करते हैं। ड्रॉबैक क्या है इसका, द आउटपुट सिग्नल इज डिस्टॉर्टेड, ओके, ऑफकोर्स डिस्टॉर्टेड तो मिल ही रहा है, ओके, क्लास सी और क्लास बी के बीच में मिल रहा है, तो क्लास ए में नेग्लिजिबल डिस्टॉर्शन था, क्लास बी में आधा डिस्टॉर्शन हो गया, तो इसमें इन बिटवीन हुआ, यहां भी डिस्टॉर्शन आ रहा है, तो याद रखेंगे जहां जहां डिस्टॉर्शन होगा वहां वहां हम लोग पोस्टपोल एम्पलीफायर का यूटिलाइज करेंगे, ओके, ड्रॉबैक इज दैट द आउटपुट सिग्नल इज डिस्टॉर्टेड, हेंस टू ऑब्टेन फुल आउटपुट साइकिल क्लास ए बी एम्पलीफायर नीड पुश फुल कनेक्शन, ओके, पुश फुल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पुश फुल एम्पलीफायर या पुश फुल कनेक्शन होता क्या है। नाउ दिस इज द क्लास ए बी, नाउ क्लास सी पावर एम्पलीफायर, क्लास सी, इन दिस एम्पलीफायर इट इज बायस्ड फॉर द ऑपरेशन लेस देन 180 डिग्री, यहां पे हो गया 360, ओके, 180 डिग्री, 180 और 360 के बीच में 360 क्लास ए था, 180 क्लास बी था, और 180 से 360 क्लास ए भी था, यहां तक समाप्त, अब लेस देन 180 डिग्री के लिए, तो लेस देन 180 डिग्री के लिए क्लास सी का फॉर्मेशन हुआ, ओके, लेस देन 180 डिग्री और हाफ साइकिल, ओके, द ऑपरेटिंग और क्यू पॉइंट इज लोकेटेड इन द डीप सेचुरेशन और इन द डीप कट ऑफ रीजन, डीप डीप यानी कि उसमें भी गहरा चली जाइए, तो वो हम लोग ऑप्टिंग कब करते हैं याद रखेंगे ये भी, ओके, डीप सिचुएशन कब मिलेगा, जब आईवी का वैल्यू आईवी मीन से बहुत बहुत ज्यादा होगा, मिनिमम से बहुत ज्यादा होगा, और कट ऑफ कब मिलेगा, जब वीबी का वैल्यू नेगेटिव हो फॉर एनपीएन और वीबी का वैल्यू पॉजिटिव हो फॉर पीएनबी, और हम इसको रब करके आगे क्लास थ्री का डिस्क्राइब करते हैं।
नाउ अब चूंकि क्लास सी पावर एम्पलीफायर जो है दो रीजन में वर्क कर सकता है, या तो डीप कट ऑफ या तो डीप सेचुरेशन। तो डीप सेचुरेशन के लिए आईबी का जो वैल्यू होना चाहिए था दैट इज वेरी वेरी लेस देन आईबी मीन वैल्यू, एंड डीप कट ऑफ के लिए जो हमारा था उसके लिए वीवी नेगेटिव होना चाहिए था फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड वीवी पॉजिटिव होना चाहिए था फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर। जस्ट रिमेंबर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। नाउ क्लास सी पावर एम्पलीफायर विद द ऑपरेटिंग पॉइंट इन डीप कट ऑफ इज एज शोन इन फिगर। ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये आरएफसी है, यहां भी आरएफसी आरएफसी रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक वैसा इंडक्टर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में यूटिलाइज हो रहा है। अब आरएफसी है क्या एक्चुअली, आरएफसी इज एन इंडक्टर, ये एक इंडक्टर है, रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक मतलब इंडक्टर, एक इंडक्टर है विच ऑफर्स वेरी हाई रिएक्टेंस टू रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए बहुत ज्यादा रिएक्टेंस जो है ऑफर करता है। ओके एंड एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट फॉर डीसी, ऑफ कोर्स डीसी के लिए देन दैट इज शॉर्ट सर्किट। ओके हेंस इट डजंट डिसिपेट द पावर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट फॉर डीसी एंड हेंस इट डजंट डिसिपेट द पावर। जो पावर डिसिपेशन हमारा हो रहा था वो डीसी यानी कि ऑपरेटिंग पॉइंट के कोरेस्पॉन्डिंग हो रहा था, दैट इज VCEQ इनटू ICQ। तो ये VCEQ और ICQ एक्चुअली क्या है, डीसी वैल्यू है। तो ये डीसी वैल्यू जब ये डीसी के कोरेस्पॉन्डिंग ये शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा है यानी कि पावर को ये क्या करेगा, डिसिपेट करेगा, वो जीरो होगा। ओके बिकॉज ये सारा वैल्यू जो है इसके लिए क्या होगा, जो हम लोग डीसी सप्लाई देंगे तो डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। नाउ वीबी इक्वल टू माइनस वीबीबी दिस वन। ओके अगर यहां एनपीएन नहीं रहा कि ये पीएनपी रहता देन ये पोलरिटी उल्टा होता। तो वीबी इक्वल टू माइनस वीबी दैट इज द एज डीसी वोल्टेज वीबी इज नेगेटिव हेंस ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स इन डीप कट ऑफ रीजन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट रिमेंबर फॉर द डीप कट ऑफ रीजन For NPN transistor, VB must be equal to minus VBB. And for PNP, VB must be equal to plus VBB. Again, reminder now, for the saturation, IB is very, very greater than IB mean. Okay, just remember. Now, when AC input is given, the transistor remains off during negative cycle. Negative cycle mein off ho gaya. Okay? And conducts for a short interval during positive half cycle. अब देखो ये हमारा जो है ये वीबीबी प्लस वीबी कटिंग वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज हमारा रेफरेंस हो गया, तो इसके नीचे का जो भी वोल्टेज होगा सब जीरो, जो मिलेगा हम लोग को सिर्फ आउटपुट ये मिलेगा। ऑफकोर्स हम लोग बात किए थे क्लास ए कंडक्ट फॉर द 360, क्लास बी कंडक्ट फॉर द 180, क्लास ए बी कंडक्ट्स बिटवीन द 180 एंड 360, देन क्लास सी कंडक्ट्स एंड क्लास सी जो हम लोग मैन्युफैक्चर किए एम्प्लॉयड किए दे कंडक्ट फॉर द लेस देन 180। तो लेस देन 180 यानी देखो यहां से यहां तक 180 है, तो इसके इससे कम है, इससे कम के लिए कंडक्ट हो रहा है दिस वन, तो ही सेम वेव हमारा क्या आ जाएगा आउटपुट के रूप में आ जाएगा। दिस इज द कलेक्टेड करेंट, दिस इज द टाइम पीरियड। ओके टाइम पीरियड एंड दिस इज द कंडक्शन टाइम, जितने देर के लिए कंडक्ट हो रहा है ये एम्पलीफायर। तो ये डिवाइडेड बाई ये टॉ बाई टी नो दैट इज द ड्यूटी साइकिल। ओके ड्यूटी साइकिल ऑफ द क्लास सी पावर एम्पलीफायर यानी कि इतने देर के लिए वो वर्क कर रहा है, दैट इज द ड्यूटी साइकिल दैट इज ऑलवेज गिवन एज फ्रैक्शन टाइम पीरियड, जितना देर के लिए वर्क कर रहा है। ओके एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड। नाउ इसको आप और पढ़ेंगे चॉपर में भी। ओके इन द केस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कलेक्टर करंट वेव फॉर्म इज लेस देन हाफ साइनसॉइडल, ऑफ कोर्स लेस देन हाफ
हाफ यहां से यहां तक होता पॉजिटिव, बट उससे भी कम मिल रहा है, तो उससे कम मिल रहा है यानी कि इट कंटेन्स द लार्ज नंबर ऑफ हार्मोनिक्स। इसको आप फॉरियर सीरीज में दिखाएंगे आपको, ओके। एक कोई भी आप फॉरियर सीरीज पढ़े आप, तो साइन ओमेगा टी को लार्ज नंबर ऑफ हार्मोनिक्स में ब्रेक कर सकते हैं। हार्मोनिक्स दैट इज जस्ट ओनली द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी, लाइक साइन ओमेगा टी, साइन टू ओमेगा टी, साइन थ्री ओमेगा टी, साइन फोर ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, कॉस टू ओमेगा टी, देन इट इज द सेकेंड हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक्स, ओके, साइन फोर ओमेगा टी, फोर्थ हार्मोनिक्स। तो ये बहुत ज्यादा हार्मोनिक्स होगा, ओके। तो लार्ज नंबर ऑफ हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे लगाए हुए हार्मोनिक एलिमिनेशन फिल्टर। हार्मोनिक एलिमिनेशन फिल्टर एक्चुअली है क्या? इट इज एक्चुअली द पैरेलल एलसी सर्किट। हम लोग एलसी सर्किट को हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, लाइक दैट, ओके, दिस वन, ये यहां पे लगा हुआ पैरेलल एलसी सर्किट, ओके, विच एलिमिनेट द ऑल हार्मोनिक्स, ओके, लार्ज नंबर हार्मोनिक विच कैन बी एलिमिनेटेड बाय द हार्मोनिक एलिमिनेशन फिल्टर। अब जब एलिमिनेट हो जाएगा हाइयर हार्मोनिक्स, जितने भी हाइयर हार्मोनिक्स होगा, तो ये सारा एलिमिनेट हो गया। तो हाइयर हार्मोनिक्स एलिमिनेट हो गया तो बस गया क्या? ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ध्यान से देखिएगा, ओके, फॉरियर सीरीज के थ्रू हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, लाइक दैट, बहुत सारे हो सकते हैं, इसी तरह कॉस का भी होगा, ओके। तो अगर हाइयर हार्मोनिक्स को हम लोग एलिमिनेट कर लिए, यानी कि ये सारा टर्म गायब हो गया, बस गया क्या? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी कि प्योर साइनसॉइडल, ये सारे को जो हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं बाय यूजिंग द टैंक सर्किट और पैरेलल एलसी सर्किट, दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक एलिमिनेशन फिल्टर, ओके। देन तब क्या होगा, हेंस आउटपुट सिग्नल ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट कैन बी ऑब्टेंड, ये हम लोग को ऑब्टेन करना था, ओके। देन बाय यूजिंग द हार्मोनिक एलिमिनेशन फिल्टर, ओके, हम लोग क्या किए, ओके, सिंगल फ्रीक्वेंसी का जो है आउटपुट हम लोग ऑब्टेन कर लिए। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट। नाउ एफिशिएंसी जो होता है 1 - V1/VC × 100, दिस इज द फिगर ऑफ मेरिट, लेस देन 0.25। प्रैक्टिकली जो देखा जाता है क्लास सी पावर एम्पलीफायर का, वो एफिशिएंसी जो होता है ग्रेटर देन 90% होता है। प्रैक्टिकली एफिशिएंसी विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, ओके। नाउ एप्लीकेशन, क्योंकि ट्यून्ड सर्किट हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर की तरह या ट्यून्ड एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल करते हैं, ओके। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ट्यून्ड एम्पलीफायर भी देखेंगे, सो डोंट वरी। नाउ नेक्स्ट वन इज क्लास डी पावर एम्पलीफायर। तो क्लास डी को हम लोग ज्यादा डिटेल में देखना कोई नीड नहीं है, ओके, दैट इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट फॉर द सेमिस्टर एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ओके। बट हम इसको ओवरव्यू लेते हैं। इट इज डिजाइन टू ऑपरेट विद द डिजिटल और पल्स टाइप सिग्नल, ओके, मतलब डिजिटल सिग्नल, हम साइनसॉइडल सिग्नल नहीं देते हैं, डिजिटल सिग्नल देते हैं, ओके। एंड इट मेक्स द सिग्नल दैट वेरीज ओवर एंटायर साइकिल बाय यूजिंग द सैंपल एंड होल्ड सर्किट। सैंपल होल्ड सर्किट दूसरे सर्किट में पढ़ना है, ओके। देन दिस इज द क्लास डी पावर एम्पलीफायर, ओके। नाउ हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू। जब भी देखिए पूरा वीडियो लेक्चर देखिए, सो दैट कि आपको नया नया टॉपिक नया नया कंसेप्ट के साथ मिलते रहे, ओके। अगेन थैंक यू।